हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुभान भाई यूट्यूब चैनल। सुभान भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। वीडियो के पहले मैं अभी जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, मम्मी जी और जो मेरा भांजे है ना, समर वेकेशन का स्कूल बंद था। भांजे मेरे घर में आके मेरे घर में घूमने के लिए आया था भांजे। तो अभी ये जो भांजा है ना, उसको ले जाते हैं टंगला स्टेशन में मम्मी जी के साथ। मम्मी जी भांजे को टंगला स्टेशन से ढिकियाजुली स्टेशन तक, मतलब जो मेरे दीदी जो मेरी डुआ है ढिकियाजुली में, गाइस उस लोकेशन में जाके भांजे को रखने के लिए जाएगा मम्मी जी। तो मम्मी जी और भांजे तो अभी उड़ के तो जा नहीं सकते है ना, मतलब दीदी के घर में जब भी जाना पड़ता है ना, ट्रेन से जाना पड़ता है। मम्मी और भांजे ट्रेन में चढ़ेंगे और ट्रेन से ढिकियाजुली स्टेशन में उतरेंगे और ढिकियाजुली से सीधा भांजे का जिस लोकेशन में घर है उस लोकेशन में जाएंगे। तो जो भी हो गाइस, अभी मम्मी जी और भांजे को स्टेशन में रखने जाते हैं। भांजे और मम्मी जी को रखने के लिए जाने के वक्त पर क्या क्या दिखेगा आप लोगों को, देखते जाओ। बारिश का मौसम है ना गाइस, लोग पूरा हालत खराब है। ये देखो गाइस, मम्मी जी और पीछे बैठो पीछे। A few minutes later. तो finally guys, अभी टोंगला स्टेशन में जाने का सवारी शुरू हो गया है। तो देखते जाओ रास्ते में क्या क्या दिखता है। मेरे लोकेशन से अभी शॉर्टकट टोंगला स्टेशन में जा रहे हैं ना, टोंगला स्टेशन में जाने के वक्त पर शॉर्टकट रास्ते को जो अभी चॉइस किया है ना गाइस लोग, थोड़ा दूर, अभी ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से थोड़ा दूर, मतलब थोड़ा नहीं, कम से कम 2 किलोमीटर होगा शायद। थोड़ा खराब रास्ता है, पक्की नहीं बना है अभी। रेनी सीजन में तो अच्छी तरह काम बनते भी नहीं और काम भी अच्छी तरह नहीं होता है भाई। ऑफ रोडिंग फुल टू ऑफ रोडिंग हो रहा है अभी। तो फाइनली टोंगला स्टेशन का रोड मिल ही गया। थोड़ा खराब है रास्ता, शॉर्टकट है ना, वैसे शॉर्टकट रास्ता जिधर भी होगा लाइफ में, अगर शॉर्टकट रास्ते में थोड़ा तो खराब तो मिलेगा ही, एक्सपीरियंस कर लो पता चल जाएगा। शॉर्टकट रास्ते में अगर कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, अगर शॉर्टकट रास्ता या कुछ भी शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट चूज करेंगे ना, थोड़ा तो दिक्कत आएगा ही बीच में। क्या हुआ भाई, सुपर सिलेंडर ऐसा ही बीच में ऑफ हो जाएगा तो कैसा होगा। वैसे लेट हो गए भाई, ऑफरोडिंग हो रहा है। धीरे धीरे टोंगला स्टेशन नज़दीक पहुंच रहे हैं गाइस लोग, पूरा हाफ पैंट पहन के आ गए। सुबह का टाइम है ना, कौन देखेगा भाई। ये देखो गाइस, खतरनाक डेंजर, अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहे हैं। 25,000 इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगा कुछ दिन के बाद, मज़ा आएगा भाई। लेकिन जो उड़ीसा में जो हादसा हुआ है ना, उड़ीसा के जैसे अगर हादसा हो गए तो भाई जिंदगी में कभी भी ट्रेन में नहीं उतरूंगा, कभी नहीं चढ़ूंगा भाई, नहीं चढ़ूंगा। तो भाई ये रास्ता बहुत खराब है रे यार। देखो टोंगला टाउन का ब्रिज, मेरे लोकेशन से जब आते हैं ना शॉर्टकट, तभी इस ब्रिज को मिलता है, वो भी है टोंगला स्टेशन ट्रेन रास्ते। वेलकम टू टोंगला टाउन। वैसे गाइस लोग, मेरे मुंह का साउंड अच्छी तरह नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा। फुल फैसिलिटी, अच्छा वाला फैसिलिटी लेके वीडियो शूट कर नहीं पा रहा हूँ गाइस, सच में बहुत हालत खराब है गाइस। जय बजरंगबली। तो फाइनली हमें टोंगला स्टेशन मिल गया है। इधर ही रुकना पड़ेगा टोंगला स्टेशन। थांगबा ए, अच्छी तरह जाना। कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे यार, भांजा को कैमरा देख के शौक हो गया शायद। ओए जाना भगिन। अभी टोंगला स्टेशन से बैक टू होम। चेक दिस साउंड गाइस,
थैंक्स, वो थैंक्स दिया है भाई, वेलकम टू टंगला। और अभी जा रहे ना घर पे, तो थैंक्स दे रहा है। मजा लगा भाई, मजा लगा।